अगर बात करते हैं स्पर्श के चार फिनिशर्स निकाला उन्होंने, अच्छे खासे मैच खेला, अभी खेल रहा है इंडिया की टीम, नाम को ऊपर रखते हुए झंडा लहराते हुए हाइड्रा की बढ़िया मैच निकालते हुए नजर आ सकते हैं स्पर्श। इज ट्राइंग इज बेस्ट टेकिंग आउट द मैच ऑन हिज बिहाफ, बट आई थिंक ऑन हिज टीममेट बिहाफ बोला जा सकता है, बिकॉज उनके टीममेट ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके, तीन खिलाड़ी जो एलिमिनेट हो चुके हैं, बट स्पर्श लग भी है इनके पास, जोन मूव इन किया जा रहा है फिलहाल के लिए, जोन के बाहर जाके अंदर आएंगे, जोन के ऊपर जाएंगे जल्द से जल्द। पर फिलहाल के लिए स्पर्श चार फिनिशर्स के साथ जोन के अंदर, सामने जोन तो है, जोन पीछे से भी क्लोज इन ऑलरेडी आ चुका है, बट थोड़ा सा दिल में ढक ढक, बिकॉज सामने इतनी सारी टीम्स जब इनके ऊपर उठेगी तो मुश्किल हो जाएगा उनको ये मैच अपने नाम लेना। बट ए टू एक्सैन वो भी नजर आ रहे हाथ में समझा नहीं, क्रैंक का इस्तेमाल करते हुए सामने खिलाड़ी को टेक डाउन करने की कोशिश किया जा रहा है, और करेंगे भी जरूर, तीन फिनिशर्स इनके पास टोटल आ चुके हैं, जोन में निकलने की कोशिश बस इनके पास, आई थिंक बगी लेके निकलना चाहिए, बिकॉज बस जाते जाते उनको सीधे एलिमिनेशन पे निकाल देंगे टीम 11 के खिलाड़ी, और अच्छा खेला उन्होंने, बट टीम माया भी अभी भी जीवित नजर आएंगे कहीं ना कहीं। नॉक है साइफर प्रो इधर पे रिवाइवल दे रहे, पीछे से शॉट लेने की कोशिश, पांच फिनिशेस उन्होंने निकाला टोटल, बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस टीम माया भी के द्वारा। प्रो फिलहाल के लिए सामने रहेंगे, स्पर्श भी इधर पे जोन के अंदर जरूर आ चुके हैं, हेलकेट मारेंगे अपने को सेफ रखना, हेलकेट है नहीं इनके पास, बैंडेजेस का इस्तेमाल करेंगे, बट प्रो पे नॉक हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, मुश्किल वक्त में गुजर रहे हैं प्रो हमारे, ओ जी हाँ रिवाइवल देंगे अपने खिलाड़ी को, देना पड़ेगा नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए मैच अपने नाम लेना। स्पर्श ओपी वो नीचे अगर थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो वो इजीली शॉट निकाल सकते हैं, टॉप फोर ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, लास्ट मैच में भी टॉप फोर पे एलिमिनेशन हुआ था इनका, इस बार अगर फिर से सेम अगर रिपीट हुआ हाइड्रा का तो फिर कहीं ना कहीं पहले मैच में 12 या 13 पॉइंट लेके गए थे, इस मुकाबले में 6 पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है, और कब तक रहेंगे वो भी देखने की कोशिश करेंगे। बट टीम मायावी के साइफर ओजी लास्ट गाय सर्वाइविंग साइफर, क्या वो भी जाएंगे सीधे एलिमिनेशन में, बिकॉज इज द लास्ट गाय, और इधर पे जरूर एलिमिनेट होते हुए टीम 11 के खिलाड़ी ओ आर एडमिनो बहुत बढ़िया उमदा परफॉर्मेंस दिखाते हुए, ओम एडमिनो भाई साहब चार फिनिशेस निकाला उन्होंने, और कहीं ना कहीं टोटल 10 फिनिशेस हैं इनके पास, लव घुस पर डालने की कोशिश किया जा रहा है इधर पे साइड बाय साइड, रोज भी नजर आएंगे सामने इधर पे इस्तेमाल, और इधर पे भाई बोलते बोलते टीम को एलिमिनेट कर रही है ये टीम, हाइड्रा टॉप टू पे पकड़ चुकी है, स्पर्श सामने खिलाड़ी को टेक डाउन करेंगे, बट फिलहाल के स्पर्श भी जाएंगे एलिमिनेशन पे, और इधर पे 12 किल के साथ ही 11 लेके जाएंगे, एक लवली सा मैच अपने नाम, दैट वाज अमेजिंग मैच, पर हाइड्रा टॉप टू लेके जाएगी 6 फिनिशर्स के साथ, टीम माया भी नीचे जरूर है, ये एक अच्छा बढ़िया चीज़ है आप सबके लिए कि भाई टॉप टू आ चुके हैं हाइड्रा, और 12 पॉइंट लेके जाएंगे, पोजिशन पॉइंट्स 12 और 7